हिंदी फिल्म में देखिएगा ना, कोई अपने आप को लिखेगा सिंगर, कोई स्टार, भोजपुरी में ही सब नहीं होता, सीधे सुपर स्टार। देखिए भोजपुरी इंडस्ट्रीज में एक समय था जब सभ्यताएं थी, लेकिन अब भोजपुरी इंडस्ट्रीज में बिना लगाम के हर दिन एगो नया गायकार निकल जा रहा है, और ना अश्लीलता इतना भर दे रहा है कि पूरे बिहार को बदनामी उठाना पड़ेगा, और अभी तक गवर्नमेंट कोई एक्शन नहीं ले रही है। इतना ना देर हो जाएगा कि हम लोग को सारे लोग ऐसे ही समझेंगे लोग कि सब किसी काम का नहीं। ऐसा नहीं है कि बिहार में दो चार को गाना सुन के, लेकिन इतना अश्लीलता अभद्र गाना गा देते हैं सब, जिससे कि पूरी मतलब आप घर में बैठ के नहीं सुन सकते हम। अच्छा हिंदी फिल्म में देखिएगा ना, कोई अपने आप को लिखेगा सिंगर, कोई स्टार, भोजपुरी में ही सब नहीं होता, सीधे सुपर स्टार। पहला गाना गाया सुपर स्टार, समझ में आ गया कि नहीं, पहले गाना पे वो सुपर स्टार हो जा, स्वघोषित अपने से घोषित कर लेता है। तो बताइए मनोनीत सदस्य को कौन मनोनीत करता है? राष्ट्रपति। आप यदि अच्छे अधिकारी रहेंगे तो आपको मनोनीत किया, कला में बैडमिंटन खेलिए, ओलंपिक में या किसी चीज में, कला की तो कोई सीमा ही नहीं है, तो उसे क्या किया जाता है, मनोनीत कर लिया जाता है। कौन मनोनीत करता है? अब एक बात बताइए, राष्ट्रपति ने जिन्हें मनोनीत किया है वो तो कभी भी राष्ट्रपति का ही साथ देगा, और अगर वही राष्ट्रपति जो उसे मनोनीत किया इन 12 लोगों को, अगर वही राष्ट्रपति अगली साल चुनाव में खड़ा होता है तो वो राष्ट्रपति को कोई वोट मिले या ना मिले, वो 12 को तो फिक्स है कि नहीं है। अब चूंकि संविधान में दोबारा खड़ा होने की व्यवस्था है, इसलिए संविधान में अंबेडकर साहब ने इसे स्ट्रिक्टली जोड़ दिया कि जिसे आप मनोनीत किए हैं ना वो चुनाव में वोटे नहीं डाल सकता है, झमेले खत्म यहाँ पे। समझ में आ गया अंबेडकर साहब को क्यों इतने आज के समय में भी इतनी उनकी उन संविधान को जब पढ़ते चलिएगा ना तब आपको समझ में आएगा कि क्या थे अंबेडकर साहब, बहुत तेज दिमाग के, ऐसा व्यवस्था करके ना। और आज के लोग में ये जो कहते हैं ना नेता वगैरह, आप यकीन मानिए अंग्रेज से ज्यादा खतरनाक ये नेता है, वो तो अंबेडकर साहब का संविधान है जो इनको इनके हद में रखता है, नहीं तो कब का बेच खाए रहते सभी सब लोग को, अंग्रेजों से ज्यादा अत्याचार कर देते सभी सब। लेकिन उस संविधान ऐसा रखा गया नहीं लोगों की लगाम में है लोग यहाँ पे, और इस सबको हकीकत में देखिएगा तो मने मने कोसते रहता है सब लुटेरा सब अंबेडकर साहब को, ऐसा ना चाभी ऐठ के गए ना सही में है आपको, यहाँ पुलिस को लगता है वही सब कुछ है, कोर्ट में जाने के बाद हालत खराब हो जाता है, कोर्ट को लगता है वही सब कुछ है, कोर्ट से निकलने के बाद कुछ नहीं है। समझ में, यही तो संविधान है, कौन क्या है पता ही नहीं चलता है, सब कुछ देश की जनता, हम भारत के लोग। समझ में आ गया कि नहीं? अच्छा जनता को लगता है कि हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, उसको सीधे मिला आर्टिकल 32, सीधे सुप्रीम कोर्ट टकटकाएगा, हम भारत के नागरिक हैं, सुनिए ध्यान से। समझ में आ गया कि नहीं? तो अच्छी व्यवस्था है कि नहीं है?